Hello friends, welcome back to Craft and Food Palace. Happy Janmashtami to all. आज हम जन्माष्टमी के लिए मिंगीपाक का प्रसाद रेडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मिल्क पाउडर और 1 कप मिल्क ले लिया है। मिल्क आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क पाउडर भी किसी भी ब्रांड का लिया जा सकता है। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें ये ग्रेट किया हुआ नारियल है, चिरौंजी, काजू और किशमिश ले लिए हैं थोड़े थोड़े। यहाँ पर मैं 250 ग्राम के आसपास या 250 ग्राम मिंगी पाक बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने खरबूज के बीज ले लिए हैं, जिसे हम मिंगी भी बोलते हैं। इसको हम रोस्ट करेंगे बाद में। ये मैंने 100 ग्राम के आसपास लिए हैं। और यहाँ पर मैंने शुगर ले ली है। शुगर यहाँ पर मेरी 150 ग्राम है, 150 ग्राम। यहाँ पर 1 टीस्पून एक पैन में घी गर्म कर लेंगे और उसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट तक लगातार चलाएंगे, जिससे कि मिल्क पाउडर जल ना जाए अच्छे से। जब मिल्क पाउडर में घी मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। यहाँ पर दूध ऐड करने के बाद भी आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना है, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। अगर फ्लेम यहाँ पर आपकी हाई है तो आपको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, और लो फ्लेम पर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चला सकते हैं। आपको 15 to 20 मिनट कंटिन्यूसली लो फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। यहाँ पर ये जो बीज लिए थे खरबूज के या मिंगी, उसको हम रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट करना है, जिससे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर ये बीज रोस्ट हो चुके हैं। इसको हम इस स्टेज पर यहाँ पर मिल्क में ऐड कर रहे हैं। मिल्क हमारा काफ़ी थिक हो चुका है और ये खोए वाली कंसिस्टेंसी में आने ही वाला है। बस हमें इसे 5 मिनट और पकाना है। उसके बाद शुगर ऐड करने के बाद हम इसको 10 मिनट्स फिर से पकाएंगे, क्योंकि शुगर ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड वाली हो जाती है। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम रोस्ट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए आपको रोस्ट करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कीजिएगा। यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर मेरी लो है। अब इस स्टेज पर इसमें शुगर ऐड कर देंगे। 150 ग्राम के आसपास मैंने शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 250 ग्राम के आसपास मिंगी पाक बना रही हूँ। शुगर ऐड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी लिक्विड वाली हो जाएगी, पोरिंग कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं आप। तो इसको हमें 10 मिनट्स के लिए और कुक करना है। हाई फ्लेम पर आप कुक कर सकते हैं कंटिन्यूसली चलाते हुए। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है 1/2 टीस्पून। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है। इसको 2 मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं, फिर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए, अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसको अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, आप देख लीजिए। इसको अच्छे से रबर के स्पैचुला से प्रेस कर देंगे और जमने के लिए 2 घंटे के लिए फ़ैन में छोड़ देंगे, या फिर आप रेफ्रिजरेटर में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। 1 घंटे बाद हमारा मिंगी पाक जमकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जिससे कि हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, इजीली कट हो जाएंगे।